अभियान चल रहे मधुमक्खी का, आपको देख के इतनी हंसी आ रही होगी ना, सुबह सुबह हमारे आज ये हो रहा है। इससे खाना ही है, ग्रीनरी ज्यादा है उस साइड पे ना। हाय सनसेट हो रहा है, बट पेड़ पड़े हैं, दिखती ना। बट इस टाइम पे चिड़ियों की आवाज इतनी आती है ना यहाँ पे। शाही पनीर, तंदूरी रोटी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीएमटी व्लॉग्स। और गाइस अभी सुबह अभियान चल रहे हैं मधुमक्खी का, आपको देख के इतनी हंसी आ रही होगी ना, सुबह सुबह हमारे आज ये हो रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ना हमारे बालकनी में ना मधुमक्खी ने छत्ता लगा लिया, उसकी वजह से ना हम प्लांट्स को पानी नहीं डाल पा रहे हैं। तो हमारे पीछे जो प्लांट्स रखे हुए ना, वो बेचारे मुरझा चुके हैं। तो आज हमने सोचा आज ये कर ही दे टास्क। यहाँ पे ना नीचे अंकल आते हैं मतलब वो हटाने के लिए छत्ता, बट वो पता नहीं कब आएंगे, कभी आते महीनों में एक बार, तो हमें खुद ही रिस्क लेना पड़ा। दो दिन पहले मेरे पैर पे काट भी गमला गिर गया, उन्होंने सारा ना पेट रखे थे गमले में। गमला हाँ, एक पत्ती ना टच हो रही थी। तो वहाँ पर अगर मैं घूम करके दिखाऊँ, वो रहा छत्ता, काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। तो अभी इन्होंने गमला खिसकाया ना आगे को, तो वो उड़ गई। अब वो जो पीछे सारे प्लांट्स पड़े उनकी हालत देखो आप, उनको पानी नहीं मिला इतने दिनों से। हाँ कपड़े कैसे गीले कर लिए? अब ये खुद ही अपने कपड़े निकाल लेता है, खुद ही सिलेक्ट कर लेता है मुझे ये पहनना है, कह रहे कपड़े चेंज करो। वाओ लाइन वाली राउंड टू। हम लोग अंदर से देखे शैबू पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पापा? बाहर देख रहा। बाहर तो देख रहे हैं पापा क्या कर रहे हैं। एरी हंसी देखो, दोबारा से आग लगाई गई है। लगी नहीं, लगी नहीं। एक तो हवा इतनी तेज चली ना, आग पकड़ ली। कह रहे सुबह सुबह कहीं गई हुई थी, अभी वापस आ गई है। चलो आओ फिर, हम आपके साथ रहेंगे। बंद कर। जब कुछ किया ना सारी एक दम आ गई, इन्होंने कोई रोला थोड़ी पाना चिड़ी बंद रहा। बिल्कुल अगे कर दो बस। ये पता है क्या कर रही है, ये वैसे फैल जाती है जैसे ही हम धुआं कर रहे हैं ना, तो वो इकट्ठी हो जाती है सेंटर में। हुन फिर उन्होंने ये किया देखो, सेंटर से इकट्ठी हो गई सारियाँ, अभी फैली हुई थी फिर सेंटर में इकट्ठी हो गई। सो ये मिशन तो पता नहीं कब तक चलेगा, तो हम आपको थोड़ी देर बाद अपडेट कर देंगे, गई कि नहीं गई, हम सफल हुए कि नहीं हुए। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। मौसम बाहर है बाहर अच्छा, तो पता नहीं अभी हमारा प्लान क्या है। आज हमको डेंटिस्ट के पास भी जाना है, सो इनके कैपिंग होनी है टीथ में, तो वो कैप बन के आ गई होगी, तो आज वो लगवाएंगे। और बाहर बारिश का मौसम भी हो रहा है, फिर से बादल आ। हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी बाहर जाना है हमको, कुछ कुछ काम निपटाने हैं, और मैं इसका अपडेट दूँ आपको हम लोग कर रहे थे। सो ये वापस आ गई हैं। हुआ क्या कि धुएँ से ये उड़कर उड़ तो गई, लेकिन बैक साइड पर चली गई थी, उसके बाद इन्होंने दोबारा से डेरा जमा लिया है। सो ये किसी को हमको बुलवा के करना पड़ेगा ये काम, तो अभी हम लोग निकलते फटाफट और अपने बाहर के काम जो है निपटा के आते हैं। मौसम ने तो ना धोखा दे दिया है, मतलब 3 दिन से इतना प्यारा मौसम था ना चंडीगढ़ में, बारिश हो रही थी, बदल ही बदल, काला काला। और आज जिस दिन छुट्टी है ना, है उधर निकली धूप, मतलब छुट्टी वाले दिन अगर बंदा सोच ले ना कि कहीं बाहर घूम के आए, इतना प्यारा मौसम है, उस दिन ना धूप निकलती है। वैसे तो हम लोग शाम को निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है यार। गाइज मैं बोल रही थी, लेकिन वहाँ से बादल आ रहे हैं, आने शुरू हैं अभी, और हम लोग अभी आए पहले गुरुद्वारे। चलो उम्मीद है मौसम चेंज होगा।
लोग आ गए हैं मत्था टेक के और डेंटिस्ट के पास से होकर। डेंटिस्ट ने क्या बोला वो मैं आपको जाऊंगी बताऊंगी घर पे जाने के बाद। और साहिब बिल्कुल भी नहीं टिकता यार, बड़ा शराब। शैब को क्या लेना है, कुछ स्पेशल लेना है आपको? चौको पाई देती देखो, चौको पाई ऐसा कुछ नहीं लेना तेरा जंक फूड। नहीं साहिब बेटा क्या कर रहे हैं, नहीं खानी है, अच्छी नहीं होती। इस लड़के ने इतना तंग कर रखा है ना, अपनी मर्जी करेगा बेटा, कुछ भी थोड़े डालने। मम्मा अपने आप ले लेगी, रखो आप। इन देखो कितना तंग कर रहे हैं, कुछ भी रखे जा रहे हैं। अब इसके साथ शॉपिंग आना ना बहुत मुश्किल हो चुका है, ये अपनी मर्जी मारता है। क्या लिया आपने, ये नहीं लेते? शक्ल देखो इसकी, बस बस हो गया। कितना कुछ ले लिया तेरा, ये सब नहीं खाते हैं बेबीज, पता है आपको टमी में हाई होती है इससे। खाना ही है भाई साहब, ये लड़का ना वो अपनी मारता है। बस बस हो गया साहब को, वो कंडा काटे पानी, कंडा काट जाने, कंडा घाट पानी जाना साहब को। पता नहीं कौन कौन सी नई डिमांड है, फिश देखनी है, पार्क है, पता नहीं क्या बोली जा रही है। कंडा घाट पानी, अच्छा अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क, राशन पानी ले लिया और उसके साथ अब शॉपिंग करना ना बड़ा मुश्किल हो गया। इतनी जिद करता है ना अब इसको, क्योंकि पता चल गया अपनी चीजें सारी मतलब की उठा लेता है। सो ये है मेरा फेवरेट पार्क, गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस। शैबू चलो 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 चलो, यहाँ पर इतना अच्छा लगता है ना इस पार्क में, यहाँ की वाइब भी अलग है। शैबू हाँ, यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है उस साइड पे ना। हाँ ये सनसेट हो रहा है बट पेड़ पड़े हैं, दिख नहीं रहा, बट इस टाइम पे चिड़ियों की आवाज इतनी आती है ना यहाँ पे, मजा आ रहा है। ये पानी तो यहाँ पे फाउंटेन ही नहीं है, बस एक ही चीज की कमी है, यहाँ पे फाउंटेन नहीं है। और मैं खा रही हूँ लिटिल हार्ट्स। सो गाइज मैं सोची आपको बता ही देती हूँ, एक्चुअली डेंटिस्ट ने बोला कि जो मैं इनविजिबल वाले सोच रही थी, उन्होंने बोला कि वो फ़ायदा नहीं है, वो मत भी आप लगवाओ, वो मोस्टली है उनके लिए जो बाहर से आते हैं, NRI वगैरह हैं उनके लिए सूटेबल होता है, बट अगर आपको लगवाने हैं तो आप सिरामिक लगवाओ, वो बेस्ट है आपके लिए और अच्छा रिजल्ट भी आएगा उससे। सो और मैंने भी वैसे सोचा था, सिरामिक में सोची थी या फिर इनविजिबल, दोनों में से एक सोच रही थी, तो आई थिंक फिर मैं सिरामिक वाले लगवाऊंगी। बट कब लगवाना है वो एक बार थोड़े सीनियर डॉक्टर से अभी कंसल्ट करेंगे हम कुछ दिनों में, उसके बाद डिसाइड होगा। और इनकी कैपिंग भी नहीं हो पाई क्योंकि ना इनका वो फिट नहीं हुआ जो बन के आया था, तो अभी उसको थोड़ा पॉलिश वगैरह करवाना पड़ेगा, फिर लगेगा वो। और देखो साहिब मैं ऊपर है तो हम लोग पहुंच गए अब सब्जी मंडी सब्जियां लेने के लिए, और सामने इतना सुंदर लग रहा है ना चांद और उसके ऊपर तारा, ईद का चांद। अब फटाफट से पहले सब्जियां ले लेते हैं, घर पे आ गए हैं और ये शॉपिंग वगैरह करके लाए हाँ जी शैबू, हम चटाई लेके आया, कहीं पिकनिक वगैरह पे चलेंगे उसके लिए, है ना, पिकनिक पे चले नहीं इसकी इंस्पेक्शन शुरू हो गई अब, तो अभी फटाफट से रख लेते हैं सामान, उसके बाद खाना वगैरह बनाना है। सो गाइस हमारा डिनर रेडी हो चुका है, मैंने बनाया मैंने बनाया शाही पनीर डिनर में, और अभी मैं बनाऊंगी इसके साथ तंदूरी रोटी और साथ में सैलेड कट करते हैं बढ़िया सा। तो अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस हमारा खाना बन चुका है और अभी
हिम्मत से लेते हैं रिव्यू। ये हमारा शाही पनीर तंदूरी रोटी जो कि मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है, तो अभी हम लोग लेते हैं रिव्यू। पति जी ने ना पगड़ी उतार दी है तो वो कह रहे हिम्मत से रिव्यू ले ले, मैं नहीं आऊंगा व्लॉग में। लो जी आपा देन लग गया रिव्यू हुन। भाभी कहंदे तुसी रिव्यू दो। शक्ल कैसी लग रही है? शक्ल तो अच्छी लग रही है। लग रही है ना होटल वाली? हां खुशबू भी अच्छी आ रही है। अच्छा के देख लिया। सच्ची दसो स्वाद बना? मजेदार, मजा आ गया। मजा आ गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਹੈ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਾਈਸੀ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਸਣ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ। सो मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ अपने स्टाइल में बनाती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी हम लोग फटाफट से डिनर कर लेते हैं और व्लॉग कभी एंड नहीं करते हम लोग, क्योंकि अभी खा के ना सोएंगे या फिर कुछ टीवी वगैरह देखेंगे, थक गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।